केदारनाथ। केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की गोद में केदारनाथ मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और पंच केदार में से एक है। केदारनाथ मंदिर 3,593 फीट ऊंचाई पर बना हुआ एक भव्य और विशालकाय मंदिर है। इतनी ऊंचाई पर इस मंदिर को कैसे बनाया गया, इसकी कल्पना आज भी नहीं की जा सकती। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी जाती है। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और चारों ओर प्रदक्षिणा पंथ है। बाहर प्रांगण में नंदी भेड़ वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया, इसका कोई प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन हाँ ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदिग्रह शंकराचार्य ने की। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण ये मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य दर्शन के लिए खुलता है। पत्थरों में से बने इस मंदिर के निर्माण के बारे में कहा जाता है, इसका निर्माण पांडव वर्ष के जन्मजय ने करवाया था। और विशालकाय सब एक ही पत्थर पर बनी है। मंदिर की पूजा श्री केदारनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक मानी जाती है। प्रांत काल में श्री पिंड को केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मणी होते हैं। केदारनाथ की कथा ऐसी मानी जाती है कि महाभारत की युद्ध में पांडवों पापों से मुक्त होने के कारण यहां आए थे। इसलिए कि वे भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर वे उन्हें वहां भी नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमाचल तक आ पहुंचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे अंदर ध्यान हो गए। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे, वे उनका पीछा करते हुए प्रत्येक केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक बैल का रूप धारण कर लिया था, वे अन्य पशु में जा मिले। पांडवों को संदेह हो गया था, तब भीम ने विशाल रूप धारण कर दो पहाड़ों पर पैर फैला दिया और अन्य सब गाय बैल तो निकल पड़ी, और शंकर रूपी बैल पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं थे। भीम बल पूर्वक इस बैल पर सबटे, लेकिन बैल भूमि में अंदर ध्यान हो गए। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया और तब भगवान शंकर पांडवों की भक्ति देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया था। जून 2013 के दौरान भारत के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में अचानक आई बाढ़। मंदिर की दीवारें गिर गई और बाढ़ में बह गई, और साथ ही कई लोगों की जान भी गई और उसके आसपास का इलाका पूरी तरह से तबाह हो गया था। सैलानियों और श्रद्धालुओं को तो देखकर बचा लिया गया, लेकिन केदारनाथ घाटी के स्थानीय लोग गंभीर मुश्किलों में थे। बेहिसाब गांव और घर बह गए थे। बादल फटने के कारण हुई तेज बारिश को इस तबाही का कारण बताया गया था। इस घटना ने उत्तराखंड सहित पूरे देश के हालात बदल दिए थे। उनमें से हजारों लोग तो ऐसे थे जिनका आज तक कुछ अता पता नहीं है। Thank you.
फिर मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया और अब ये मंदिर एक बार फिर से बेहद खूबसूरती के साथ दर्शन करने के लिए तैयार है। जब भी आप बाबा केदारनाथ की तरफ रुख करें, तब आप भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करें। नमः शिवाय।